that little mouse, cause I'm an albatross. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं सैल क्रिएटर लेकर आ गया एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये जो गन है, आप सोच रहे हो ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक गन है, इसका नाम है P60। तो आज हम इसके अंदर खोल के देखेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर प्रॉब्लम किसी से, जब लोड होती है गन, तो लोड तो होती है, पर जो इसकी जो बुलेट होती है, यानी 6 mm बुलेट जो होती है, वो फायर नहीं हो सकती। तो आज हम इसे खोल के देखेंगे और देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये मैं आपको बता दूँ, 1-2 साल पुरानी गन है ये भी मेरी। इसे भी मैंने 500-600 में खरीदा था, शॉप से खरीदा था मैंने। तो आज हम इसकी जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बता दूँ, इसका नाम P16 है शायद तक, इसका प्रॉपर नाम जो है वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। तो वहाँ तक हम इसे P60 बोलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि गन ऐसी किसी है, तो मैं बता दूँ, ये गाइस ये जो है गन है, ये फोल्डेबल गन है पूरी। देखो मैं खोल कर दिखा दूँ, कुछ इस तरह खुलेगी। देखो देखो, ये खुला, मतलब दूसरी साइड से इधर थोड़ा सा पुश करना, ये खुल गया। ठीक है, रुको अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये गन हो गई हमारी एसी। ठीक है, ये हमारी एसी गन है। ठीक है, आपने इसे देख लीजिए। तो चलो यार फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप प्लीज़ यार सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर आपके सामने आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले बता दूँ, हम इसके जो सारे जो ये नट्स हैं इसे हम खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। इसके अंदर अपना देख भी लेंगे, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और इसकी प्रॉब्लम भी देख लेंगे क्या क्या होता है। चलो फटाफट से वीडियो शुरू कर दें। देखो बार सॉरी, मैं इसका पूरा मैं सब इसके बारे में बताना भूल गया। इसके फंक्शंस को खोलने के पहले सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके अंदर जो है बुलेट भरनी है तो क्या करना है, सिंपल सा इसे दबाना है तो ये बाहर आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं बुलेट डालता हूँ ना, इसके अंदर बुलेट जा रही है। अब मैं ये ऐसा डाल के अब यूँ मैं लोड करा, देखो आप मैं लोड भी करके दिखा दूँ, लोड भी हो रही है पूरी गन। देखो आवाज़ आई, देखो मैं फायर भी कर दूँ, आपने आवाज़ सुनी होगी कि इसे फायर भी हो रही है, यानी इसका जो मशीन है वो पूरी तरह मतलब सही है। तो इसके अंदर वो बुलेट क्यों नहीं छुट रही मैं वो देख लूँ। अब देख लो, ये इसे यूँ पकड़ के आप यूँ करेंगे तो एक गन हमारी जो है वो लोड होगी। ये फोल्डेबल गन है, ये मतलब 3-4 टाइप की मतलब हो जाती है, वो सब अपने बाद में लास्ट में देखेंगे हो सकेगा तो। तो बस सारे फंक्शन अब मैंने सब कुछ काम बता दिया, अब आप स्क्रू खोलने की वीडियो देखो। फाइनली गाइस, हमारी जो गन है वो पूरी तरह खुल गई है, आप देख सकते हो। आप बोलो किसे खुली, आप जादू देखना है। ये देखो इससे कितने पार्ट्स निकले, मैं दिखा दूँ आपको कुछ इस तरह। अगर आप खोलते हो तो कुछ इस तरह की, मतलब आपके घर में जो नॉर्मल प्लेट भी हो आप उसमें भी रख सकते हो। अगर इसमें से एक भी नहीं खोवाना चाहिए, अगर आप मेरी राय मानो तो, अगर एक भी खोएगा तो आपकी गन पूरी तरह बेकार हो जाएगी। चलो इसे रखते साइड में, हमारे जो गन है फाइनली खुल गई है। देखो क्या क्या पार्ट्स गिर रहे हैं, ये सब संभाल कर रखना आप सब। तो चलो धीरे धीरे से खोलते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे खोल लिया, देखो ये खुल रहा है इस तरह, ये भी खुल रहा है, देख सकते हो। हमारी जो गन है अंदर से कुछ इस तरह की लग रही है, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी प्रॉब्लम सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मीन्स क्या प्रॉब्लम आई है। मेरे हिसाब से देखो, मुझे इधर येलो एक चीज़ दिख रही है, ये देख सकते हो। इधर देखो
मेरे हिसाब से अंदर एक जो बुलेट है वो शायद तक फंस गई है मेरे हिसाब से। तो चलो इसे खोल के, अगर मैं पूरी इसे जो पूरा जो गन है मैं इसे नहीं खोलूँगा क्योंकि अगर एक भी पार्ट से मुझे याद नहीं रहा तो बहुत लोचो पड़ सकते हैं, तो इसलिए चलो मैं खोल कर दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा नट टाइट मतलब ढीला करा, तो आप देख सकते हो इसके अंदर से दो बुलेट निकली। रुको मैं दिखाऊँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा, दो दो बुलेट बाहर निकली है। एक तो पूरी पचका गई है, यानी आप देख सकते हो पूरी चपट हो गई है, और एक जो बुलेट है वो पूरी नवी निकली है देख सकते हो। और मेरे ख्याल से हाँ एक और अंदर है, उसे मैं निकालता हूँ, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। मैं निकाल के दिखाऊं तो आप देख सकते हो मैंने एक और निकाला, उसके अंदर चौथा बुलेट और निकला, टोटल इसके अंदर चार बुलेट फंसे हुए थे, शायद इसकी वजह से लोड नहीं ले पा रही थी। ये देखो एक और निकला, देख सकते हो मैंने टोटल फाइव बुलेट अंदर फंसे हुए थे। देखो एक और है, सिक्स सेवन सेवन बुलेट्स निकली दोस्तों, एक और अंदर। देख सकते हो एक और निकला इसके अंदर, यानी टोटल एट बुलेट्स हो गई, शायद इसको इसे लोड नहीं ले रहा हूँ। हमारे प्रॉब्लम लगता है शायद 50% हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। आप देख सकते हो ये सब तो ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद तक ये लोड करने में ये टूट गया हल्का सा, ये इसका पोर्शन है, ये वाले पार्ट का, इसका हल्के से यानी शायद टूट गया ये, इसको जैसी भी हो। तो चलो हम इसे फटाफट से जोड़ते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह का था ये, यहाँ से ये जो पार्ट है इसका ये टूट गया है। तो चलो हम फटाफट से जोड़ते हैं फेविक्विक से हेल्प से। अगर आप इसी को चीज़ जोड़ते हो तो फेविक्विक इसमें बेस्ट रहेगी, बेस्ट मतलब मीन्स बहुत अच्छी रहेगी। चलो मैं इसे जोड़ के दिखा दूँ। तो फाइनल गाइस हमारा जो ये है जो टूट गया था उसे हम मैंने जोड़ लिया है, कम से कम इसे आधे कलाक लगी क्योंकि मैंने इस पर 7 से 8 बार मैंने वो लगाया है फेविक्विक। अगर आप फेविक्विक में आकर स्टेट मिला तो वो भी लगा सकते हो, दोनों ठीक रहेगा। अब देखो मैंने इसे बस यूँ नॉर्मली फिट करा, अब सब बाहर निकालते धीरे धीरे। इसके अंदर से एक भी चीज़ मैं आपको बहुत फेरी बोल रहा हूँ कि एक भी चीज़ खोवा नहीं चाहिए, आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फोकस मारूँ तो देख सकते हो ये नीचे लगेगा, इसलिए मैंने इसे और मजबूत करा, देख सकते हो कुछ इस तरह। अब ये है जो इसकी जो स्प्रिंग को मैं जूम करता हूँ, ये स्प्रिंग लगेगी, और ये जो हमारा जो लोड का जो मशीन है वो लगेगा। धीरे से लगाना है, इसे ज़्यादा जोर नहीं डालना, ये टूट भी सकता है। रुको मैं लगा के दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने जो इसे हम चिपका रहे थे ये, तो इसके चिपकने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे समझ पड़ गया कि जो इसका जो बुलेट उस पर क्यों नहीं जा पा रहा, अगर ये जो है ये टूट गया था जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जुड़ गया। तो आप देख सकते हो ये कि ये जो एक आपको हल्की सी ये वॉल दिखाई दे रही है, देख सकते हो वॉल। तो क्या होता है जब बुलेट आती है तो बुलेट यहाँ से आकर सीधा इधर लग जाती है, तो यहाँ से क्या होता है यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर जब फायर करते हैं तो यहाँ से छूट जाती है बुलेट, ठीक है। अब वो ये जो पोर्शन है नीचे का है, ये ऊपर का पोर्शन है, ठीक है। अभी जो नीचे का पोर्शन है इसको ऊपर देख सकते हो, ये देख सकते हो जो वॉल है बीच में से टूट गई है। तो क्या होगा जब हमारी बुलेट यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी, तो यहाँ से क्या होता है हमारी बुलेट आके यहाँ से ये साइड निकल जाती है बाहर साइड, तो हमारी बुलेट को जाना होता है इधर, जाना होता है हमारी बुलेट को, ठीक है। तो हमारी बुलेट क्या होती है इधर से जाके यूँ निकल जाती है, जबकि जाना होता है इधर, ठीक है। समझ में आ रहा आया हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तब ये जो वॉल है ये तो टूट गई है हल्की सी,
तो ये मैंने बोट ढूंढी खोलते टाइम, या फिर तो ये गिर गई होगी, मेरे हिसाब से तो ये गिरी गई होगी नीचे। तब मैं सो अब मैं इसका सोच रहा हूँ अब मैं क्या करूँगा, तो मेरे हिसाब से शायद तक मैं इसका जुगाड़ करूँगा। जुगाड़ में इसके साथ कुछ भी कागज़ वागज़ कुछ भी हुआ, इतनी पतली चीज़ लेनी है, उसे हम इसे चिपका देंगे प्रॉपर अच्छे से चिपकाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं ढूंढ के बताता हूँ और बताता हूँ मैं क्या चिपका रहा हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो जुगाड़ है वो मुझे आ गया, मैं उसको देख के हंसी भी आ रही है। ये वॉल टूट गई है, हम जो फेविक लाए थे वो फेविक का एक नॉर्मल पार्ट काटना है। अब मुझे प्लास्टिक काटने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कागज़ लो। अब मैं कागज़ को भी बराबर मैंने उसको ठोस कर दूंगा, यानी कड़क कर दूंगा। देख सकते हो इतना सा कागज़ लिया है मैंने, उनको मैं फोकस मार के दिखाऊँ, रुक जाओ 2 मिनट। अब देख सकते हो ये मैंने इतना सा हल्का सा कागज़ लिया है, ठीक है। तो मैं क्या कागज़ को ऐसा के ऐसा मैं इस वॉल पे लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा, इसका जो रास्ता है वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये जो है इस पे मैं कागज़ यूज़ करूँगा, तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मतलब आधी कलाक तक मैंने इसके बारे में सोचा इसको ठोस करने वाले में। तो मुझे समझ में नहीं, अगर आप भी आपको भी इसी कुछ समझ में आता तो आपके मम्मी पापा से पूछ लो, अगर वो लोग अपने को अच्छी राय बताएंगे। तो मैंने ऐसा ही पूछा, तो बोला कि अगर ये भी उनकी भी सही बात है, अगर मैं इधर लगाऊंगा ठोस करके, अब जो ये जो फायर का जो झटका लगेगा तो ये कागज़ का असर नरम भी पड़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी जो नॉर्मल बच्चों की प्लेट होती है या फिर नॉर्मल ऐसा प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक को तोड़ दूंगा। ये प्लेट टूटी हुई थी तो ये मैंने ले लिए, इसको क्या करूँगा, काटूँगा मैं हल्के से, प्रॉपर मैं काट के दिखा देता हूँ हमें कितनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, इस प्लेट में से मैंने देखो इतना टुकड़ा काटा है, इतना सा इतने से मैंने इतना निकाला है, आप देख सकते हो। और ये जो है इसके अंदर मैंने पूरा लगा कर दिखा दिया, मैंने लग रहा है पूरा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह वॉल तैयार हो जाएगी। तो मैं चिपका के तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना सजेस्ट करूंगा कि कागज़ करते बेस्ट तो हमारा ये रहेगा, ठीक है, मजबूत भी रहेगा। तो चलो मैं इसे फेविक से चिपका के दिखा दूँ और फिर हमारी वीडियो हम क्लोज करेंगे सब बंद करके, ठीक है। फाइनल फ्रेंड्स, हमारा जो गाड़ है वो पूरी तरह चिपक गया है। अब मैं आपको जो है वो टेस्टिंग करके भी दिखा दूँ। मैं सिंपल सा एक बुलेट लेता हूँ, अब देख सकते हो अब मैं यूँ रखता हूँ, देखो आप समझ गएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले क्या होता था, ये टूट गया था तो ये बुलेट यहाँ पीछे निकल जाता था, अब देखो सीधा वहाँ से निकला, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही निकला, यहाँ से यूँ सीधा निकलेगा, ठीक है। तो बस ये हमारा पूरा। फ्रेंड्स, मैं ये जो गन फिट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो मैंने एक लेड जो बनाई थी वो पीछे मतलब दब सकती है फ्यूचर में। तो मैंने क्या करा, एक इधर पीछे लगा दी और एक साइड में लगा दी, तो क्या होगा ये जैक टाइप हो गया, कभी ये टूटेगी नहीं, ठीक है। अब ये कैसे नहीं टूटेगी, अब ये देखो ये जो गन है ये गन के अंदर कुछ इस तरह लगेगी, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो है लेयर, इसको सपोर्ट मिल जाएगा पीछे से, इसलिए मैं माफ़ करता हूँ, मैंने आपको ये बताना भूल गया क्योंकि मैं बोलता गया वीडियो में और मैंने देखा कि वीडियो जो बंद है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, अब वो देख के समझ जाना, 2 फोटो मैंने ली। तो फाइनली गाइस, हमारा जो गन है वो मैंने पूरी सेटअप कर लिया, आप देख सकते हो ये पूरा रहा है, ठीक है। मैंने इसे फायर करके देखा, फायर पूरा यानी अपना काम पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग यानी फायर करके दिखा दूँ सब, देख सकते हो मैंने ये नॉर्मल बुलेट इसमें डाला, 6 mm BB बुलेट है, ध्यान से इसको उसके अंदर डालूँगा। ये हो गई लोड, अब चलो मैं इसको फायर कंडीशन में लगा देता हूँ। गाइस, हमने कुछ इस तरह का सेटअप कर लिया फायर के लिए और टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब मैंने आपके सामने मैंने पहले बुलेट डाली थी, ठीक है। मैं इस तरह कहीं करके लोड करता हूँ धीरे धीरे, रुक जाओ, ठीक है, कट करके आवाज आई। देखो ये टाइट हो गया, इसका मतलब फायर के लिए रेडी है। चलो हम फायर करते हैं, 3, 2, 1 फायर। आपने देखा होगा ये अपनी बुलेट जो अभी हाल फायर हुई। एक और बार करता हूँ फायर, देख सकते हो आपने देखा होगा फायर हुआ। आप तो बस फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बस यही देखी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर आपके सामने और कुछ भी नहीं है। चलो वीडियो देखने के थैंक यू, चलो मिलते हैं अपने आपको अगली वीडियो में।